हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के शपथ ग्रहण करने के बाद उनके कट्टर समर्थक सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में करनाल जिले के घरोंडा हलका में गांव जयसिंहपुरा के रहने वाले प्रकाश सिंह को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा दिल्ली अपने आवास पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने जननायक जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जो कष्ट सहे उसके लिए दिल से आभार व्यक्त किया गया और उनके कष्टों को पलकों से चुगने की बात कही। यहां हम आपको बता दें कि प्रकाश सिंह जयसिंहपुरा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के भक्त माने जाते थे, जिन्होंने प्रण लिया था कि जब तक देवीलाल परिवार सत्ता में नहीं आएगा वह अपने दाढ़ी व सिर के बाल नहीं कटवाएंगे और ना ही तब तक पैरों में जूते पहनेंगे, जो आमतौर पर जननायक जनता पार्टी के कार्यक्रमों में देखने को मिलता था कि यह चौधरी देवीलाल परिवार का भगत नंगे पैरों गर्मी सर्दी में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जेल से रिहाई की दुआ करते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देता था। प्रकाश जयसिंहपुरा दुष्यंत चौटाला द्वारा दिल्ली में सम्मानित करने के बाद आज यहां करनाल जाट भवन में पहुंचे। यहां पहुंचने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका फूलमालाओं से व लज्जू बांटकर जोरदार स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रकाश सिंह जयसिंहपुरा ने कहा कि दुष्यंत चौटाला आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी बनेंगे और उनका भविष्य इतना उज्ज्वल है कि वह प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित करेंगे। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला द्वारा उनको दिल्ली में अपने आवास पर पूरा मान सम्मान दिया गया है। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक विशेष रिपोर्ट। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। करे 90% जनता का समर्थन मिल रहा था, 10% विरोध करने वाले थे, न्यू हाथ लाओ देखो नहीं आंदी आ मखा आवेगी कभी तो आवेगी। तो आज परमात्मा ने सुन ली, हरियाणा की जनता ने मेहर करी, 10 सीट दे दी, बड़ी बहुत मेहरबानी मानो मैं। जब आपने व्रत शुरू किया था तब पार्टी थी इनेलो पार्टी और वहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला उनको लीड कर रहे थे। ओम प्रकाश चौटाला जेबीटी भर्ती घोटाले में जेल में चले गए, तो आपने जजपा का हाथ क्यों थामा? आपको ऐसा क्यों लगा कि दुष्यंत चौटाला के साथ रहना, अजय चौटाला के साथ रहना सही रहेगा? ये बात ऐसे जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार 2005 में चली गई थी और मैंने यह मोटरसाइकिल नहीं ली थी। नई मोटरसाइकिल पर मैंने तमाम एरा रंग करवा दिया था और मैं पैदल गया, मेरे पास फोटो भी है, मैं अपने शरीर गया न्यू लंबे लंबे झंडे बांध गया, असंत से मैं नरवाना गया था, नरवाना तक खड़े था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, नरवाना तक मैंने चालू करी दिया पैदल यात्रा। फिर मैंने घर आया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हार गया, सुरजेवाला जीत गया था, मैंने यह मोटरसाइकिल हारी कर दी, मैं ऐसे काम नहीं चलेगा, एक प्रण लेन में फायदा है। मैंने उसी दिन से जूते काट दिए थे, 2005 से जूते काट दिए थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बनेगा, ना मैं दाढ़ी कटाऊंगा, ना मैं सिर के बाल कटाऊंगा, ना मैं जूते चप्पल पारूंगा, बारिश हो गर्मी हो कितनी भी 45 की डिग्री में भी मैंने चल कर दिखाया रोड पर। चौधरी अजय सिंह चौटाला के लिए 600 किलोमीटर में पैदल चला, मेरे पैरों में खून चालू हो गया, पूरी मीडिया ने बेरा इस बात का रोड पर। झुकाव अजय सिंह चौटाला की तरफ, दुष्यंत चौटाला की तरफ क्यों आया? अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला की तरफ क्यों? ये चौधरी दुष्यंत चौटाला, चौधरी अजय सिंह चौटाला दोनों बाप बेटा, इनमें ताऊ देवीलाल दिखता है मेरे को। जो चौधरी अभय सिंह है उसमें थोड़ा गुस्सा है, गुस्से की वजह से लोग पीछे हट गए, सच्चाई है, आप झूठ नहीं बोलते, यही मैंने यहाँ भी कहा था मीडिया के सामने। जो वर्कर को प्यार करेगा, आशीर्वाद देगा, धन्यवाद करेगा, मान सम्मान करेगा, वर्कर वहीं जाओगा, वहीं जिला प्रधान जाओगा, वहीं हल्का प्रधान जाओगा। ये बैली शू आप देख सकते हैं, दुष्यंत चौटाला ने इनको भेंट की है और आजकल ट्रेंड में भी है बैली शू, और प्रकाश जयसिंह पूरा बैली शू डालकर अपनी बाइक पर चलेंगे। ये बाइक आपकी बहुत पुरानी है, मैंने सुना है कि ये बाइक जब आप जीन हल्के में ले गए या उचाना में ले गए या बाकी जगह आपने प्रचार किया, वहाँ का चालान बहुत कटा। कितनी बार अब तक 14 सालों में आपका चालान कटा है?
मेरा सिर्फ एक बार चलान कटा, वो भी गुजरात का एसपी था, हरियाणा का एसपी होता, चलान नहीं कटा था मेरा। गुजरात का एसपी ने पता तो है नहीं भाई ने परन ले रखा। मैंने रिक्वेस्ट भी करी माँ जी, लाउड स्पीकर की परमिशन कौन थी माँ, इसकी परमिशन ले लूँगा मैं, परमिशन मिलेगी तो मैं चला लूँगा, नहीं मैं एक साइड में खड़ी कर दूँगा। वो बोले नहीं ऐसे नहीं होगा, इसको बोन्ड कर दो। वह थाने में ले गए, क्यों ये मेरे तो सुबह चाल दी कौन यार, बीप चला के देख लियो आपके सामने खड़ी है, कोई चलाता हो तो मैं 10,000 रुपये इनाम ही दूंगा। अच्छा एक पूर्व मुख्यमंत्री बना और आत्मा था परमात्मा, हमने भी भक्ति कर रखी है, आने वाला टाइम में 29 साल में प्रधानमंत्री बनेगा, आज का बोल याद रख लिए कदे करे विक्रम भाई का। तो आपने ये देखा कि किस तरह से व्रत रहता है, प्रण रहता है और कहाँ से आ रहे हैं अलग अलग जगह जयसिंहपुरा से आए हैं। कल दुष्यंत चौटाला ने कैसा मान सम्मान किया उसके बारे में बताइए। मान सम्मान बढ़िया करा जी, उसने कहा बच्चे की देखभाल रखनी, अपने घर भी संभालना जरूरी है, और मौका लग गया तो मैं तेरे पास असंद भी जरूर आऊंगा। उन्हें अपने हाथों से जूते भरे आए हैं, मिठाई के डब्बे बंडे हैं, अपने हाथों से उनसे भर कर मेरे को मिले, मान सम्मान करा जी। कहाँ पे किया ये जनपद 18 लंबर कोठी पर। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।